हेलो डियर, कैसे हो आप सब। मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं रोहित धीमान आरसी चैनल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं पैकेज ऐसे की पैकेज एयर कंडीशनर क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है और इसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं और उनकी वर्किंग कैसे है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये ग्रुप है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की नॉलेज के लिए। और अगर आप भी केवल आरएसी की नॉलेज चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको आरएसी थ्योरी देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको आरएसी टेढ़े क्वेश्चन बैंक देखने हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको एचवीसी नॉलेज देखनी है तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पैकेज एयर कंडीशनर एक रूम एयर कंडीशनर की तरह ही होता है, लेकिन ये जो हमारा पैकेज एयर कंडीशनर है ये अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं। जैसे 3 TR, 5 TR, 7, 10, 15, ऐसे हम इसको 5 टन से 15 टन तक आसानी से मिल जाता है, लेकिन आजकल इसको 100 टन के आसपास भी आसानी से मिल जाते हैं। और ये आपको केवल सिंपल ही नहीं, इन्वर्टर एसी में भी आपको मिल जाता है, जिसके अंदर आप स्पीड भी उसके अंदर वेरिएबल होती है, मतलब अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू हमारी जितना हमको जरूरत है उस हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। पैकेज एयर कंडीशनर में सबसे पहले तो एयर फिल्ट्रेशन लगा होता है। एयर फिल्ट्रेशन मतलब जो एयर को कूल करने, एयर को क्लीन करने का काम करता है, मतलब हमारी एयर में जो भी धूल मिट्टी या डस्ट बैक्टीरिया उसको क्या करने का, उसको रोकने के लिए यूज़ किया जाता है एयर फिल्ट्रेशन। उसके बाद हमारा लगा होता है कूलिंग ह्यूमिडिफायर और वायु घुमाव के कंपोनेंट अलग अलग लगे होते हैं, मतलब कि हमारा जो एयर को सक करने के लिए उसके अंदर, जैसे अभी पिक्चर में आपको दिख रहा है सक्शन ब्लोअर लगा होता है जो कि हमारा वी बेल्ट की सहायता से चलता है, ठीक है। इसे गर्मी और सर्दी दोनों में यूज किया जाता है। इसके अंदर जो कंप्रेसर यूज़ होता है वो होता है हर्मेटिक या सेमी हर्मेटिक, ठीक है। और इसके अंदर जो कंडेंसर यूज़ होता है वो एयर कूल्ड कंडेंसर या वाटर कूल्ड कंडेंसर यूज़ होता है। एयर कूल्ड कंडेंसर की बात करें तो इसमें प्रोपेलर फ़ैन या सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन यूज होता है, ताकि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है पूरी तरह से वेपर से लिक्विड के अंदर चेंज हो सके। और इसके अंदर जो एक्सपेंशन वाला है हमारा थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाला यूज़ होता है। और उसके बाद हमारा क्या लगा होता है, ड्रायर और स्ट्रेनर लगा होता है, ताकि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसके अंदर से मॉइस्चर को पूरी तरह से सोख लिया जाए। और इसमें क्या होता है, जो हमारा एयर सर्कुलेशन होता है वो हमारा होता है 10 से 11.3 मीटर क्यूब पर मिनट, मतलब 350 से 400 CFM पर टन, क्योंकि हमारा 1 TR में क्या होता है 400 CFM होते हैं। और अगर हमारा कोई कंप्यूटर रूम है तो उसके लिए जो एयर सर्कुलेशन की जरूरत हमें 14 से 15 मीटर क्यूब पर मिनट की होती है, मतलब 500 से 550 CFM पर टन। और इसके अंदर अलग से क्या क्या लगे होते हैं, इसके अंदर अलग से लगा होता है हाई प्रेशर कटआउट एंड लो प्रेशर कटआउट। ये हाई प्रेशर कटआउट एंड लो प्रेशर कटआउट क्या है, अगर हमारा डिस्चार्ज प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसे हमारा डिस्चार्ज प्रेशर 150 से 180 होना चाहिए, अगर बाय द वे उससे ज़्यादा हो जाता है तो हमारा हाई प्रेशर कटआउट वर्किंग के लिए लगाया जाता है, एक सेफ्टी डिवाइस के रूप में लगाया जाता है। अगर हमारा डिस्चार्ज प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो ये क्या करता है, कंप्रेसर को एक सेफ्टी के रूम में उसको कमांड देता है, कंप्रेसर को कटआउट कराने के लिए, कंप्रेसर को बंद कराने के लिए। और ऐसे ही हमारा होता है लो प्रेशर कटआउट। लो प्रेशर कटआउट का क्या होता है, अगर कंप्रेसर को सक्शन प्रेशर नहीं मिल रहा है, जैसे हमारा अगर मान लो सक्शन प्रेशर 0 से 10 चल रहा है, अगर हमारा सक्शन प्रेशर 0 से नीचे जा रहा है तो लो प्रेशर कटआउट क्या करता है, कंप्रेसर को बंद करने की कमांड देता है। और इसमें क्या लगाता है, OLP लगाता है, ओवरलोड प्रोटेक्टर, जो कंप्रेसर की सेफ्टी, वाइंडिंग की सेफ्टी के लिए यूज होता है। तो कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए इसमें लो प्रेशर कटआउट, हाई प्रेशर कटआउट एंड OLP लगे होते हैं। इसमें जो कूल एयर होती है पैकेज एयर कंडीशन में, वो रूम में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डक्ट का यूज़ किया जाता है, और वापसी एयर को ग्रिल और फिल्टर के द्वारा एवेपोरेटर में से गुजारा जाता है। ग्रिल के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, रिटर्न लेते हैं और उसको पहले एयर को फिल्ट्रेशन करते हैं फिल्टर के द्वारा, ताकि हमारी एयर में जितना भी डस्ट पार्टिकल है उसको क्या किया जाए, रिमूव किया जा सके। उसके बाद हमारी जो हॉट एयर है रूम की, उसको एवेपोरेटर कॉइल में से गुजारा जाता है, क्योंकि और जो हमारी हॉट एयर है वो उसके अंदर से जब फ्लो करेगी तो हमारी जो एयर है वो कूल हो जाएगी और रेफ्रिजरेंट कहीं ना कहीं गर्म होकर बॉइल होने के बाद दोबारा कंप्रेसर में चला जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा सर्कुलेशन चलता रहता है, और इसको अलग अलग कैपेसिटी के अनुसार यूज किया जाता है। और इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं, फैक्ट्रियों में, घरों में या बड़े कमरों में हम इसको लगा सकते हैं। एक जैसे बड़े हाउस का हमको एक प्लांट लगाना है तो उसके अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू TR। और आजकल ये हमारे इन्वर्टर एसी में आए हुए हैं, जिससे कि हमारा
और अगर हमारा बाय द वे कैपेसिटी ज़्यादा है, अगर बाय द वे 15 TR से ज़्यादा बनता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम एक की बजाय 2 कंप्रेसर यूज कर सकते हैं, जिससे कि इसकी कैपेसिटी के ऊपर ज़्यादा असर नहीं होता है और अच्छी प्रकार से वर्किंग में रहता है। और इसकी पाइप की बात करें तो एयर कूल्ड कंडेंसर में जो पाइप यूज़ होती है उसका साइज़ होता है 10 mm। 10 mm क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो अच्छी प्रकार से फ्लो कर सके, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या क्या लगाते हैं, हमारी ये 3-phase सप्लाई से चलता है, मतलब 385 से लेके 415 volt इसको सप्लाई चाहिए AC फेज, और 50 Hz क्या होता है हमारा फ्रीक्वेंसी होती है इसको चलने के लिए, हमको वो चीज़ कंपलसरी है। और इसके अंदर हमारा थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल, मोटर एंड ब्लोअर, कूलिंग कॉइल ऑपरेटर, फिल्टर और कंप्रेसर मोटर इसके अंदर यूज होते हैं। जिस प्रकार हम घरों के AC में बार बार फिल्टर को क्लीन करते रहते हैं, उसी प्रकार पैकेज एयर कंडीशनर में ग्रिल के पीछे जो फिल्टर लगा होता है उसको भी बार बार क्लीन करते रहना चाहिए, ताकि हमारी जो एयर है वो अच्छी प्रकार से फ्लो करती रहे और एयर का सर्कुलेशन अच्छी प्रकार से होता रहे। तो ये था हमारा पैकेज एयर कंडीशनर, और मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे आपको, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि और बच्चों के पास ये नॉलेज पहुँच सके। एंड कमेंट बॉक्स में लिखो आपको ये नॉलेज कैसी लगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड थैंक यू।